नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेत्री त्रिपाठी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां पर एयर इंडिया विमान के इंजन की चपेट में आने से एक टेक्नीशियन की मौत हो गई। हादसा एयरपोर्ट के बे नंबर 28 पर हुआ। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A619 हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली थी, तभी हादसा हो गया और टेक्नीशियन रवि सुब्रमण्यम की मौत हो गई। हादसे पर एयर इंडिया ने दुख जताया है। एयर इंडिया जो फ्लाइट था मुंबई हैदराबाद जा रहा था 619, उसमें जब डिपार्चर होने के समय जो उसको पुशबैक किया गया, पुशबैक होने के बाद में जब पुशबैक निकाला जाता है, उसी समय जो कर्मचारी पुशबैक निकालने के लिए गया तो उसको खींचा गया, इंजीनियर रेस करने की वजह से खींचा गया, तो उसकी मृत्यु हो गई है। तो यूनियन उसके लिए खेद व्यक्त करती है हमारे तरफ से। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पाई अभी तक, इस तरह सा हादसा हो गया एयर इंडिया के विमान के सामने, अभी तक क्या जानकारी है? अभिषेक शर्मा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है हमारे संवाददाता से, लेकिन इसके बारे में अपडेट हम आपको दे देंगे। फिलहाल जानकारी यह है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक टेक्नीशियन की जान चली गई। किस वजह से यह हादसा हुआ, ऐसी कौन सी टेक्निकल फॉल्ट थी, इसके बारे में जांच लगातार हो रही है। एयर इंडिया के विमान के इंजन में फंसने से इस टेक्नीशियन की मौत हो गई। हमारा दोबारा संपर्क हो गया है हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा से। अभिषेक, अब तक क्या जानकारी मिल पाई है इस हादसे के बारे में? हमारी आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे ये हादसा हो गया जिसमें एक टेक्नीशियन की जान चली गई। एयर इंडिया के विमान के इंजन में फंसने से इस टेक्नीशियन की जान चली गई, लेकिन फिलहाल इसके बारे में जानकारी पुख्ता तौर से नहीं आई है कि आखिर हुआ क्या।